नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुजी हेल्पडेस्क पर। तो दोस्तों, आज हमारा ये 23वां दिन है। 22 लेक्चर जो है हम अब तक कर चुके हैं। हमने टारगेट बेस्ड जो हमने स्टार्ट किया है उसके अंदर आपका काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है। 1500 प्लस क्वेश्चन जो है, वन लाइनर क्वेश्चन जो है, HSSC, HPSC और स्टेट के जो प्रीवियस ईयर यानी कि पिछले 15 सालों के अंदर जितने भी एग्जाम हुए हैं HSSC, HPSC और स्टेट के, उनके अंदर जो भी क्वेश्चन हरियाणा जीके के पूछे गए हैं वो सभी क्वेश्चन इन 1500 क्वेश्चन के अंदर हमने इंक्लूड किए हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपके लिए लाभदायक ना हो, फायदेमंद ना हो। तो आपके जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना हरियाणा के, उनमें ये 1500 क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जो बेल आइकन का बटन है वो प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और एक लाइक ज़रूर कर देना, आपके एक लाइक से मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए कोशिश करता हूँ कि आपके लिए बेस्ट कंटेंट जो है वो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ, लाने की कोशिश करता हूँ आपके लिए। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा राज्य शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए हर महीने 100 घंटे का वेतनिक कार्य सुनिश्चित करने वाला देश का पहला राज्य बना है? तो अपना राज्य हरियाणा है जो हर महीने 100 घंटे का वेतनिक कार्य सुनिश्चित करता है युवाओं के लिए। तो दोस्तों, ये कौन सी योजना है? तो सक्षम योजना है दोस्तों। कौन सी है? सक्षम। नेक्स्ट है, हरियाणा के किस जिले में 50 एकड़ में फार्मा पार्क स्थापित किया जाएगा? तो करनाल में स्थापित किया जाएगा 50 एकड़ में फार्मा पार्क। नेक्स्ट है, प्रदेश में एयर क्वालिटी सेंटर यानी कि AQC एयर क्वालिटी सेंटर कितने स्थानों पर लगेंगे? तो ये 19 स्थानों पर लगेंगे साथियों। हरियाणा का पहला खाद्य बैंक कब बना था? तो 11 नवम्बर 2013 गुरुग्राम में बना था हरियाणा का पहला खाद्य बैंक। नेक्स्ट है, हरियाणा सरकार ने कितने ज़िलों में गर्भपात सेंटर खोलने की घोषणा की है? तो 7 ज़िलों में गर्भपात सेंटर खोलने की घोषणा की थी हरियाणा सरकार ने, हिसार, जींद, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम, पानीपत और महेंद्रगढ़। नेक्स्ट है, हरियाणा में वक्फ बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1 अगस्त 2003 को हुई थी हरियाणा के अंदर वक्फ बोर्ड की स्थापना। हरियाणा ने अपना मजदूर दिवस किस दिवस को बनाने का निर्णय लिया? तो विश्वकर्मा डे पर मनाने का निर्णय लिया था हरियाणा सरकार ने अपना जो मजदूर दिवस है वो। हरियाणा खादी ग्रामोद्योग की स्थापना कब हुई थी? 1969 में हरियाणा खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव कौन सा है? तो हरियाणा का पहला स्वप्रेरित आदर्श गांव है दोस्तों भिवानी जिले का सुई गांव। कौन सा है? भिवानी जिले का सुई गांव जो है वो पहला स्वप्रेरित गांव है, आदर्श गांव है हरियाणा का। हरियाणा का कौन सा नेता पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में मंत्री रहा था? तो तैयब हुसैन जो है वो मंत्री रहे थे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अंदर। अप्रैल 2018 में शादीलाल बत्रक के स्थान पर हरियाणा से राज्यसभा के लिए निर्विरोध सांसद किसे चुना गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल DP वत्स को चुना गया है शादीलाल बत्रा के स्थान पर राज्यसभा के लिए निर्विरोध सांसद। सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के अध्यक्ष कौन है? तो सुनील जागलान है सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के अध्यक्ष। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था शायद कि सेल्फी विद डॉटर अभियान जो चलाया गया था, बेटी के साथ सेल्फी अभियान, वो किस जिले से शुरुआत हुई थी उसकी? तो वो जींद जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। कहाँ से? जींद जिले से उसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। 2018 में गेहूं उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर रहा था? तो पलवल जिला रहा था जिसकी स्थापना 2008 में हुई थी। पलवल की स्थापना कब हुई थी? 2008 में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 के अनुसार चंडीगढ़ का संपूर्ण भारत में कौन सा स्थान था? तो संपूर्ण भारत में चंडीगढ़ का तीसरा स्थान था, थर्ड पोजिशन थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2018 में प्रदेश के किस शहर को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड दिया गया? तो करनाल के गरोंडा को दिया गया था बेस्ट इनोवेशन अवार्ड। हरियाणा में साइबर सिटी के नाम से प्रसिद्ध गुरुग्राम जुर्म के मामले में कौन से स्थान पर है? तो गुरुग्राम जुर्म के स्थान पर फर्स्ट पोजीशन पर है, पहले स्थान पर है। आज का हमारा 17वां क्वेश्चन रहेगा, मई 2018 में हरियाणा के किस विश्वविद्यालय को A+ ग्रेड में शामिल किया गया है? तो A+ ग्रेड जो है वो UGC के द्वारा दिया गया था
KUK यानी कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है दोस्तों। हरियाणा में रागिरी कार्यक्रम की शुरुआत कब और कहाँ से की गई थी? तो नवंबर 2013 में रागिरी कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो की गई थी कहाँ से? गुरुग्राम से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किस खेल स्कूल को खेल विश्वविद्यालय यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाने की घोषणा की? तो मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल जो सोनीपत के राय के अंदर स्थित है उसको खेल विश्वविद्यालय बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा की गई थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा ओपन स्कूल कब खोला गया? HBSE के द्वारा जो ओपन स्कूल है वो कब खोला गया था? तो 1994 में यानी कि 1994 में खोला गया था। लाला लाजपत राय वेटनरी एंड एनिमल साइंस विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं दोस्तों लुवास, LUVAS, लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज। तो लुवास कहाँ स्थित है? तो हिसार के अंदर स्थित है। तो आपको काफ़ी बार बताता हूँ हर लेक्चर के दौरान जब भी हिसार का जिक्र आता है, हिसार के अंदर कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं? चार है, तीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है प्लस एक प्राइवेट है। तीन गवर्नमेंट कौन सी है? फर्स्ट है लुवास, सेकंड है गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी GJUST, और थर्ड है CCSHAU, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो कि हिसार में स्थित है। तो ये तीन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटियां हैं और चौथी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हिसार के अंदर वो है ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी, ओम स्टर्लिंग ग्लोबल यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी है हिसार की। नेक्स्ट है हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट वुमेन यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय जो खानपुर सोनीपत के अंदर स्थित है। हरियाणा पुलिस एकेडमी की स्थापना कब की गई थी? तो हरियाणा पुलिस एकेडमी की स्थापना जो है वो की गई थी 1973 करनाल के मधुबन में। हरियाणा का सबसे बड़ा वार्षिक पशु मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। झज्जर जिले के जाजगढ़ में लगता है हरियाणा का सबसे बड़ा वार्षिक पशु मेला। राज्य शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1979 को 1979 में गुरुग्राम में हुई थी। SCERT, स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि राज्य शिक्षा अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद की स्थापना गुरुग्राम में 1979 में हुई थी। वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट एकेडमी कहाँ स्थित है? तो ये झज्जर में स्थित है। बंसीलाल स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो बंसीलाल स्टेडियम जो है वो रोहतक के लाली में स्थित है, रोहतक के लाली में स्थित है। और बंसीलाल यूनिवर्सिटी पूछ ले तो चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी CBLU कहाँ स्थित है? भिवानी में। और अपोजिट साइड भिवानी जो भिवानी चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी जो भिवानी में स्थित है इसके बिल्कुल अपोजिट साइड जो है वो आपका HBSE का यानी कि बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा का यानी कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो हेडक्वार्टर है वो भी भिवानी में स्थित है। और ये HBSE और CBLU जो है वो दोनों अपोजिट है। संस्कृत साहित्यकारों को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार प्रदान किया जाता है संस्कृत साहित्यकारों को। शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना कब लागू की गई थी? तो 1 नवंबर 2005 को लागू की गई थी शिक्षित बेरोजगारी भत्ता योजना। थारी पेंशन थारी पास कब लागू की गई? 4 अगस्त 2015। रक्षाबंधन का मेला प्रदेश में किस स्थान पर लगता है? तो ये लगता है सोनीपत में। सच्चा सौदा मेला जो सिंहपुरा जींद में लगता है किसकी याद में आयोजित किया जाता है? तो ये गुरु तेग बहादुर जी की याद में आयोजित करवाया जाता है सच्चा सौदा मेला। गुरुद्वारा पहली पातशाही किस गुरु से संबंधित है? तो गुरुद्वारा पहली पातशाही जो है वो गुरु नानक देव जी से संबंधित है। और ये कहाँ स्थित है? पानीपत के अंदर। बुनकरों का शहर कहाँ स्थित है? किस शहर को कहते हैं? तो पानीपत को कहते हैं बुनकरों का शहर। तेल शोधक कारखाना पानीपत जिले के बाहुली में स्थित है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है वो पानीपत से रिलेटेड जो है वो बनते हैं और हर एग्जाम के अंदर पूछे भी जाते हैं। रक्षाबंधन को हरियाणवी भाषा में कहते हैं पोंची, क्या कहते हैं? पोंची। हरियाणवी पुस्तक अकायदे अजीम किसकी रचना है? तो अकायदे अजीम शाह मोहम्मद की रचना है। किसकी है? शाह मोहम्मद की।
मिट्टी का हल तथा पक्की ईंटें प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो बनावली फतेहाबाद से प्राप्त हुई है दोस्तों। ये कहाँ से? बनावली फतेहाबाद जिले के अंदर जो स्थित है। किस सभ्यता में पहली बार कांस्य शब्द का प्रयोग हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर पहली बार कांस्य शब्द का प्रयोग किया गया था। प्राचीन काल में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र कौन सी जगह थी? ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है क्वेश्चन। पेवा में, पेवा जो है वो प्राचीन काल में घोड़ों का व्यापारिक केंद्र हुआ करता था साथियों। किसके शासनकाल में पेवा को घोड़ों का व्यापारी केंद्र बनाया गया था? ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मिहिर भोज के शासनकाल में, या फिर ऑप्शन में दे देगा भोजदेव, मिहिर भोज या फिर भोजदेव जो ऑप्शन में देगा तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। किस शासक ने हरियाणा पर सबसे ज़्यादा कर लगाए थे? टैक्स जो है वो सबसे ज़्यादा किस शासक ने लगाए थे हरियाणा पर? तो औरंगजेब ने लगाए थे साथियों। किसने? औरंगजेब ने। जॉर्ज थॉमस की राजधानी कहाँ थी? हांसी थी। ऐसा एकमात्र जिला जो जिला न होकर पुलिस जिला है, कौन सा है? हांसी। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान कहाँ है? जहाज खोटी हिसार में है जॉर्ज थॉमस का निवास स्थान। बुढ़िया का रंग महल कहाँ स्थित है? तो बुढ़िया का रंग महल है अम्बाला में। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। शीश महल कहाँ स्थित है? गुरुग्राम में स्थित है शीश महल। और किसने करवाया था? फौजदार खान ने करवाया था शीश महल का निर्माण। पीर नेगजा की दरगाह कहाँ स्थित है? तो ये शाहबाद कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है पीर नेगजा की दरगाह। हरियाणा में कुल कितनी कोस मीनार है? तो 88 कोस मीनार है कुल हरियाणा के अंदर। प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खान की, कल्लन खां की जन्मस्थली कहाँ है? तो गुड़ियाली जो रेवाड़ी जिले के अंदर स्थित है। प्रसिद्ध ख्याल गायक कल्लन खां की जन्मस्थली है, यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म स्थान कहाँ है? तो सोनीपत जिले में हुआ था पंडित लक्ष्मी चंद का जन्म। तो आज के ये क्वेश्चन दोस्तों, 50 क्वेश्चन हमारे यहीं पर कंप्लीट होते हैं। तो आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन जो है, ये वीडियो जो है आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा, फेसबुक पेज पर फॉलो कर लीजिएगा, और टेलीग्राम पे भी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप लोग सब्सक्राइब करें चैनल को। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।